नमस्कार। शरीर अगर फिट हो, स्वस्थ हो, तभी तो ये दुनिया खूबसूरत और अच्छी लगती है। वरना आप लोगों ने लोगों से कहते सुना होगा कि धरती पर नरक है या मेरा जीवन नरक बन गया। लोग परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही हमें फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हर व्यक्ति व्यायाम और योग करे तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और फिट रहेगा। आज मैं आपको कुछ दो या चार आसन ऐसे बताऊंगा जिनको आप घर पे भी करेंगे तो भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। समय निकाल कर जरूर करें। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन ताड़ के पेड़ से लिया गया है। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे फंसाएंगे और सांस भरते हुए अपनी एड़ी को ऊपर उठाएंगे। अपनी एड़ियों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं और अपने कंधों को ऊपर खींचें, सामने देखते रहें। और दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट बढ़ाने में लाभदायक है और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मोटापे को कम करेगा, पूरे शरीर से आपके शरीर से चर्बी को कम करेगा। बहुत बढ़िया आसन है। इसके बाद हम करेंगे हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है और हमारे शरीर को लचीला बनाता है और हमारे शरीर से बहुत तेज़ी से फैट्स को घटाता है। सांस भरते दोनों पांव मिलाएंगे पहले और सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और हथेली मिला लेंगे। हथेली पूरी मिली हुई हो और हाथों को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे और सीधे कर लेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें, कोशिश करें थोड़ी आपकी थोड़ी सी ऊपर रहे और बिल्कुल सीधे खड़े रहें। यह आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगा, उनका स्टेमिना बनाएगा और कंधों को ताकत देगा। पेट की चर्बी, पेट के साइड की चर्बी बिल्कुल बहुत तेज़ी से कम करेगा। और धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आए। ये था हस्तोत्तानासन। अब मैं आपको बताऊंगा वृक्षासन, ट्री पोज। दाएं पांव को उठाकर अपनी इनर थाइस पर लगाएंगे। घुटने पर ना रखें, घुटने से ऊपर रखें। जो अपनी इनर थाइस पर रख सकता है वो यहाँ रखें, जो ऐसे रख सकता है वो ऐसे भी रख सकता है, अपनी सहूलियत के अनुसार करें। वृक्षासन, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और हथेली मिला लेंगे, सामने देखते रहें। और दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। सेम प्रोसेस दूसरी साइड से। अब बाएं पांव को उठाकर दाई इनर थाइस पर रखेंगे। जितना आप ऊपर से ऊपर रखें, अगर आप ऊपर सटा लें सीवनी नाड़ी से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा।
और दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए और सामने देखें। अब धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। ये था ट्री पोज वृक्षासन, शरीर को लचीला बनाने के लिए। जिन लोगों का मन काम में नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता, जिन बच्चों का, उनके मन को एकाग्र करेगा, एक जगह लगाएगा, बहुत अच्छा आसन है ये। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पांव लगभग 2.5 से 3 फीट खोल लेंगे। और बाएं पांव, पहले बाएं साइड से करेंगे, बाएं पांव को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और दाएं पांव को ऐसे, यानी दाया पांव सामने रहेगा आपकी, आपके सीने के, और बाया पांव साइड में सामने रहेगा ऐसे। सांस भरते दोनों हाथ कंधों के सीने में फैलाएंगे और उसी सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ की पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, इसको अपने बाएं पांव के अंगूठे में फंसाएंगे और बाएं हाथ का अंगूठा बाएं पांव के अंगूठे के बराबर में रख लेंगे और ऊपर देखें अपने दाएं हाथ को। यहाँ आप नॉर्मल सांस लेंगे, कोशिश करें आपके घुटने सीधे रहें और सेम दूसरी साइड से करेंगे। अब हम एक, दो, तीन, चार और रिलैक्स। ये आपके मोटापे को, वजन को बहुत तेजी से गिराएगा, बहुत तेजी से कम करेगा। किडनी के लिए भी बहुत लाभदायक है। साइड में हमारी किडनीज होती हैं दोनों, उनको सिकुड़ने से रोकेगा। कुछ लोगों की किडनियाँ सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, दुरुस्त रखा, स्टिमुलेट करेगा किडनी को, इसलिए रोज योग करें। अब मैं आपको बताऊंगा पादगुस्तासन। दोनों पाँव को आप मिला भी सकते हैं और दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप भी बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और उसी सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और अपनी हाथों की पहली यानी इंडेक्स फिंगर से अपने पाँव के अंगूठों को पकड़ेंगे और सिर को नीचे लटका देंगे, कोहनियाँ बाहर, और अपनी दोनों टांगों के यानी घुटनों के बीच में से पीछे देखते रहें और सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते रिलैक्स। जिन लोगों की कमर में दर्द है, सियाटिका का दर्द है, टांग में दर्द है, बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा पश्चिमोत्तानासन, जो हमारी माताओं बहनों की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसके लिए बड़ा ही लाभकारी है। कमर दर्द के लाभकारी है, पेट अंदर बहुत तेज़ी से करता है, इसलिए ये तो आप ज़रूर करें। खाना खाने से पहले कोई भी व्यायाम हो, आसन हो, वो खाना खाने से पहले ही करें। खाना खाने के बाद कुछ ना करें वज्रासन के अलावा। सांस भरें दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने पाँव से टच करेंगे और सामने देखें पहले, और धीरे धीरे अपने माथे को आप जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं और यहाँ नॉर्मल सांस लें और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर
और छोड़ते रिलैक्स। कोई भी आसन हो कम से कम 3 बार तो जरूर करें आप लोग। 3 बार करने से ही उसका इफेक्ट आएगा, उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। और योग करें, रोज करें, अपने भारत को, अपने देश को स्वस्थ बनाएं, पूरी दुनिया